अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ ये पूरे घर की बहुत ही फेवरेट होती है, मैक्रोनी चिकन पास्ता। और आज की जो रेसिपी है बहुत आसान भी है, जल्दी भी बन जाने वाली है, बहुत ही मज़े की चटपटी सी सॉसी सी है। आप देख रहे हैं कितना मज़े का ये पास्ता बनने जा रहा है। तो आज की बहुत ही मज़े की रेसिपी को स्टार्ट करती हूँ। ये पास्ता बनाने के लिए मैंने लिया था यहाँ पर 4 बड़े साइज़ के टमाटर। इन्हें मैंने कद्दूकस कर लिया था। आप चाहें तो ब्लेंडर में इसे बिना किसी पानी के आप इसे ब्लेंड भी कर सकते हैं। मैंने इसे कद्दूकस करके इसकी स्किन रिमूव कर ली थी। एक बड़े साइज़ की प्याज ली, इसे चॉप कर लिया था। 1 टेबलस्पून लहसुन लिया है, इसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं, 1 चिकन ब्रेस्ट लिया है और 2 पैकेट मैंने पास्ता के लिए हैं, 400 ग्राम के ये पैकेट हैं। सोया सॉस जाएगा इसमें, चिल्ली सॉस जाएगा और इसमें जाएगा सिरका और केचप। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक बड़े पतीले में पानी रख दिया था गर्म करने के लिए और 3 टेबलस्पून नमक के साथ जो 1.5 पैकेट पास्ता है ना मेरा वो इसमें डाल दिया था, यानी कि 600 ग्राम पास्ता। 400 ग्राम का एक पैकेट है तो मैंने 1.5 पैकेट इस्तेमाल किया था। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, जब आप छुरी से इसे कट करेंगे ना तो ये इस तरह से कट हो जाए और बहुत ज़्यादा नरम भी ना हो, अंदर सफ़ेद लाइन भी ना हो। बस आप यहाँ पर इसका पानी आप फेंक दें और टैप वाटर के नीचे आप इसको रख दें, नलका खोल के, और अच्छा खासा पानी बहा दें ताकि जो इसका जो बॉयलिंग पॉइंट है ना वो रुक जाए। यहाँ मैंने लिया है 1/2 कप ऑयल लिया है, एक पैन में ऑयल डाल दिया है। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो एक बड़े साइज़ की जो मैंने प्याज चॉप करके रखी हुई थी वो प्याज भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। प्याज को थोड़ा सा मैं फ्राई करूंगी, जब ट्रांसलूसेंट हो जाएगा तो मैं इसमें चिकन डाल दूंगी। चिकन मैंने लिया है ग्राम में, अगर इसको मेजर करेंगे तो ये 3 पाव के करीब है, 750 ग्राम। और इसके साथ ही 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन, लहसुन का पेस्ट डाल दें या चॉप किया हुआ लहसुन डाल दें। और ये 1 चिकन ब्रेस्ट है, जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो 1 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है कुटी मिर्चें। और यहाँ से मैं थोड़ा सा पका लूँगी। इसके साथ ही यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी टमाटर, जो टमाटर मैंने ग्रेट करके रखे हुए थे, आप इसे ग्लेंडर में पीस भी सकते हैं बिना पानी के, लेकिन क्योंकि फिर बहुत वाटरी हो जाएगा पानी। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है नमक 1/2 टेबलस्पून और टमाटर के ही पानी में मैं इसे कवर करके 10 से 15 मिनट गलने दूंगी। अब यहाँ पे मैं एक सॉस रेडी कर रही हूँ। 6 टेबलस्पून मैंने लिया है केचप, 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून भर के चिली सॉस और इसके साथ ही लिया है 3 टेबलस्पून भर के सोया सॉस। और इसके अलावा यहाँ पे जाएगा 1 टेबलस्पून काली मिर्चों का पाउडर। इन तमाम चीज़ों को ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये बहुत ही स्पेशल किस्म का सॉस है, यही आपके जो पास्ता को ना फ्लेवर देगा। ये सॉस रेडी करके हम इसे एक तरफ रख देंगे। ये देखिए हमारी चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो चुका है और जो हमारा टमाटर है ये भी अच्छे खासे गल गए हैं और जो तेल है मज़ीद सेपरेट हो गया, पानी भी इसका ड्राई सा हो गया है। अब यहाँ पे मैं इसमें बाकी की सब्जियाँ भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि गाजरें थोड़ी सी हार्ड होती हैं तो पहले मैं इसमें गाजर ऐड करूँगी। और कटिंग सब्जियों के आप इस तरह कीजिएगा कि सब सब्जियाँ एक ही तरह से कट हुई हुई हों, कोई सब्जी बहुत छोटी कोई बड़ी ना हो, चिकन और सब्जियाँ एक ही साइज़ की कटिंग हुई हुई हो। अच्छा, इसके साथ ही ये ऑप्शनल है लेकिन अगर आप डाल देंगे ना तो फ्लेवर बहुत बढ़ जाएगा आपके पास्ता का। यहाँ मैंने 1 चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल किया है। जब गाजरें हाफ डन हो जाएंगी तो फिर इसमें जो बाकी सब्जियां हैं ना, शिमला मिर्च और प्याज, ये भी डाल देंगे। और शिमला मिर्च प्याज डालकर सिर्फ हम इसे 1 से 2 मिनट पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है, सब्जियों को ज़्यादा मैशी नहीं करना है, वरना इनका टेस्ट और लुक दोनों ख़राब हो जाएगा। बस 2 मिनट के बाद ही हमारा जो पास्ता है ना वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, जब मैंने इसे टैप वाटर के नीचे रखा था ना तो इसमें मैंने ऑयल भी डाल दिया था ताकि ये आपस में चिपके नहीं और खिले खिले रहें। इसके साथ ही जो सॉस रेडी की थी हमने केचप के साथ, वो सॉस भी मैं सारी की सारी इसमें ऐड कर दूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। अगर आपको केचप ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें 1 टेबलस्पून और आप इजाफा कर सकते हैं केचप का, लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट इसका टेस्ट था, मज़ीद केचप की इसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। यहाँ पे मैंने इसका फ्लेम बंद कर दिया है और इसे डिश आउट करूँगी। अगर आपको मैक्रोनी चिकन पास्ता की रेसिपी अच्छी लगे
तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बनाने जा रही हूँ पास्ता विद वाइट सॉस और इसमें मैं चिकन भी डालूंगी, चिकन का भी इस्तेमाल करूंगी। अगर आप विदाउट चिकन बनाना चाहते हैं तो आप चिकन इसमें स्किप कर दें और चिकन का पार्ट आप स्किप कर दें और बाकी रेसिपी को उसी तरह से फॉलो करें। तो बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिलीशियस इसका टेस्ट है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 400 ग्राम मैंने लिया है चिकन ब्रेस्ट और इसे इस तरह से स्क्वायर में छोटे छोटे से मैंने इसके पीसेस काट लिए हैं और इसमें कुछ मसाले भी मैं ऐड करूंगी। यहाँ पे मैंने लिया है हाफ टी स्पून मैंने लिया है यहाँ पर कुटी मिर्ची, हाफ टी स्पून मैंने लिया है यहाँ पर नमक और हाफ टी स्पून मैंने लिया है यहाँ पर काली मिर्चियों का पाउडर और इसके साथ ही मैंने लिया है 2 टीस्पून यहाँ पर लिया है सोया सॉस और 2 टीस्पून मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। इन तमाम स्पाइसेस को मैं अच्छी तरह चिकन के साथ मिक्स करके रख दूंगी एक तरफ और इसके साथ मैंने लिया यहाँ पे 400 ग्राम एक 400 ग्राम का मैंने पैकेट लिया है पास्ता का और कुछ वेजिटेबल्स भी लिए मैंने यहाँ पे येलो रेड और ग्रीन कलर की शिमला मिर्च ली हैं और कुछ मेरे पास कॉर्न भी थे, बॉयल्ड कॉर्न थे तो वो भी ले लिए। आप अपनी मर्जी की कोई भी इसमें वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। यहाँ मैं पास्ता बॉयल कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून मैंने नमक डाला है, खुला पानी मैंने लिया है, ज़रा ज़्यादा पानी लिया है और पास्ता को नॉर्मली हम 7 से 8 मिनट उबालते हैं। आप इसको चेक कर लीजिएगा 6 मिनट के बाद, इसमें हल्की सी कसर हो तो आप इसको ड्रेन आउट कर दीजिएगा इसका पानी और इसमें ठंडा पानी डाल के थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल दीजिएगा। इसके साथ एक पैन में मैंने लिया है 4 टेबल स्पून मैंने लिया है ऑयल और जो चिकन में मैंने मसाला लगा के मैरिनेट की हुई थी ये चिकन मैंने इसमें ऐड कर दी है और इसे तकरीबन 4-5 मिनट मैं इसे भूनूंगी ताकि जिसका पानी है चिकन का थोड़ा सा ड्राई हो जाए। फिर मैं इसे कवर करके 5 मिनट और पकाऊंगी। ये देखें चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, बिल्कुल फुली कुक है ये। अब मैं इसे एक अलग प्लेट में निकाल लूंगी और इसी पैन में मैंने 1.5 टेबल स्पून 1.5 खाने की चमची मैंने लिया है बटर और 1.5 खाने का चमचा मैंने लिया है यहाँ पर मैदा और ये मैदा डालने के बाद मैं इसे थोड़ा सा भूनूंगी बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे और इसके साथ ही इसमें ऐड कर दूंगी मैं 1 कप दूध यानी कि 300 ml ये दूध है और 1 कप मैंने इसमें ऐड कर दिया है पानी। अब मैं यहाँ से अच्छी तरह से चलाऊंगी जल्दी जल्दी ताकि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह ना बने और जो वेजिटेबल्स मैंने काट के रखी हुई थी वो सारी वेजिटेबल्स भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। वेजिटेबल्स डाल के हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है और इसमें मज़ीद कुछ स्पाइसेस मैं ऐड करूंगी। 1/2 टीस्पून मैंने डाली है काली मिर्चें पीसी हुई और यहाँ पे मैंने 2 जवे लहसुन के लिए फ्रेश ग्रेट करके मैं इसे डालूंगी। इसके अलावा 1 इसमें चिकन क्यूब जाएगा टेस्ट के लिए और मिक्स हर्ब लिया है मैंने 1/2 टीस्पून यहाँ पे। अब आप टेस्ट कर लीजिएगा अपनी वाइट सॉस को। अगर आप मुझे थोड़ी सी फीकी लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी इसमें चिली फ्लेक्स और ऐड कर दिए थे। सिर्फ इसे 2 से 3 मिनट पकाना है, हमें ज़्यादा नरम नहीं करना है अपनी वेजिटेबल्स को। अब इस स्टेज पे मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 50 ग्राम के करीब चीज़ डाल के मैं फ़ौरन इसमें डाल दूँगी पास्ता जो मैंने बॉयल करके रखा। इसके साथ ही ये जो थोड़ा सा पानी है मैंने पास्ता बॉयल करने के दौरान निकाल लिया था, ये पास्ता बॉयल किया हुआ पानी है जिसमें पास्ते को बॉयल किया था। इसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और इसके साथ ही जो मैंने चिकन पका के मैंने कुक चिकन जो मैंने अलग रखा हुआ था वो चिकन भी इसमें ऐड कर दूंगी। अगर आप विदाउट चिकन बनाना चाहते हैं तो आप चिकन का जो पार्ट है वो स्किप कर दें और बाकी रेसिपी को उसी तरह से बिल्कुल फॉलो करें। बहुत ही यूनिक टेस्ट है और बहुत ही जल्दी बन जाने वाला पास्ता है ये। जब आप इसे बनाएंगे तो आप देखेंगे कितना मज़े का इसका टेस्ट है। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।